ज़ारा करना है पूरा ख़त्म तो कर चाय पी और खाना है एक और पराठा बना दूँ दिशान नो बस ठीक है चाय पियो ये किरण और दिशान जो है ना फेरी करने लगे किरण ने कर लिया किरण खा लिया पूरा माशाल्लाह आपने खा लिया दिशान चलो चलो फिर और ये बन रहा है मेरा नाश्ता भी अभी बन रहा है ठीक है मेरा नाश्ता भी बन रहा I need so feel the chai in the leg. And sometimes if it's very hot, sometimes feel it don't want my belly. Oh, so ये मेरा बेटा क्या बोल रहा है Okay guys, it's azan time. It's azan time yeah. And we are getting ready for namaz. We already did our wuzu. Yeah, wuzu. Mama washed my feet. Yeah, हमने वजू कर लिया है I can't reach the, my legs can't yeah, reach the sink. So Dishan do the wuzu. And now we are going to do namaz. So I can show you how Dishan is doing namaz. Okay, चलो मैं Dishan को namaz पढ़ेगा Dishan, मैं आपको दिखाती हूँ रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम الدين इयक याबुदु इयक नस्तईन इहदिना सिराती मुस्तकीम सिरात अल्लजी अनअमत अलैहिम गैर المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन गुड आफ्टरनून एवरीवन क्या हाल है तो हम सो गए थे सहरी के बाद अब उठ गए मैंने घर का सारा काम कर लिया है सफाई कर ली बर्तन बर्तन भी धो लिए और बाकी रूम्स वगैरह सारा कुछ सेट हो गया है बस दिशान थोड़ा सा दिशान को सेटल डाउन कर रही थी क्योंकि उसको रोज़ा लग रहा है 2 बज गए तो वो बार बार बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है यहाँ पर माशाल्लाह से 6 बजे अजान हो जाती है वैसे तो लेकिन दिशान को बस बार बार यही हो रहा है कि मामा कुछ खाने को दे दो मुझे भूख लगी है क्योंकि अभी वो छोटा है ना वैसे तो वो काफ़ी माशाल्लाह से है 8 ईयर्स का हो गया है बट उसने लास्ट टाइम एक रोज़ा रखा था वो भी बड़ी मुश्किल से बच्चों को आदत नहीं होती ना ज़्यादा तो बस वो हर थोड़ी देर में कह रहे मैं उसको कह रही हूँ सो जाओ लेकिन वो सो भी नहीं पा रहा क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही है तो बस आईपैड में ही लगा हुआ है अब लेट्स सी कि कहाँ तक पहुँचाता है अल्लाह खैर करे और खैर खैरियत से दिशान का रोज़ा पूरा हो जाए बस मैं अब जा रही हूँ खाना वाना बनाने अफ्तारी की तैयारी करूँगी तो आज मैं फिर चिकन हमारे घर में मोस्टली चिकन ही बनता है वैसे तो जो है ना सब्ज़ी वगैरह भी बनती है बट वो बहुत कम बनती है क्योंकि मेरे हस्बैंड ही खाते हैं मैं जो ख़ुद रोटी सालन बहुत कम खाती हूँ जब भी दिल करता है राइस वगैरह ही बना लेती हूँ अपने लिए या इधर उधर रैप खा लिया या कुछ और खा लिया बाहर का कुछ खा लिया समोसे खा लिए रोज़ों में तो यही रूटीन रहती है समोसे पकौड़े और खाना मैं बहुत कम खाती हूँ लेट्स सी आज मैं जा रही हूँ चिकन बनाने और चिकन रैप के लिए मैं सोच रही हूँ कि चिकन उबालने रख दूँ तो आपको दिखाती हूँ मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम अगेन तो आज मैं बना रही हूँ कोरमा अपने स्टाइल में चिकन कोरमा बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में मोस्टली चिकन का ही ज़्यादा है सब लोग चिकन ही शौक से खाते हैं तो उसके लिए मैं आज ब्लेंड करूँगी ये अनियन लिए मैंने 2 इसको मैं काट लूँगी मोटा मोटा क्योंकि मुझे ब्लेंड करना है इसको सो इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और फिर हम इसको डालेंगे ये मैंने निकाल दिए ये वाले पार्ट तो ये अनियन है अनियन को मैंने करना है ब्लेंड आई होप कि आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा होगा ठीक है ये मैं पहले अनियन कर देती हूँ ब्लेंड यहाँ पर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है इसको
उसको आपको दिखाते हैं, ठीक है। उसको मैंने कुछ भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाले, तो ये ऐसे ही सेट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हो गए चॉप। अब ये हम इसमें डालेंगे उसको अपने हाथ। क्या ऑयल गरम हो गए, थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डाला, ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं हम। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। हो गए ऑयल गरम, हमारे पास ये टमाटर है तो ये टमाटर भी डाल दूंगी मैं। इसको भी मैं चॉप करने के लिए कुछ हम डालेंगे, वो जो हमारे पास टोमेटो होते हैं कैन वाले वो, और कुछ मैं डालूंगी ये वाले, ठीक है। जब तक प्याज रेड होते हैं, ब्राउन होते हैं, सॉरी, ये देखिए ये प्याज हो रहे हैं ब्राउन इस तरह से। साथ साथ टमाटर को भी ब्लेंड कर देती हूँ, सॉरी चॉप कर देती हूँ इस चॉपर में। इसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है चीज़ें, बिल्कुल भी मतलब वो नहीं बनता, पेस्ट नहीं बनता उनका, बहुत अच्छे से हो जाती है, मतलब छोटे छोटे पीसेस से हो जाते हैं, जो कि कोरमा इसका बहुत मज़े का बनता है। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता जिसमें मतलब मसाला बिल्कुल भी खड़ा खड़ा ना हो। इसमें मुझे ऐसे टमाटर और प्याज अच्छे लगते हैं जो थोड़े थोड़े उसमें पता चल रहा हो कि प्याज टमाटर वगैरह डाले, जो बिल्कुल ही पेस्ट बन जाते हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उसमें इतना मज़ा नहीं आता खाने में। तो ये मैं डाल दी, बाकी हरी मिर्च में डालूँगी इसमें साबुत। इसमें पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे रखा करते हैं। आप चटनी भी बना सकते हैं, जैसे दरदरी टाइप की चटनी बनती है ना साबुत साबुत सी, तो वो भी इसमें बहुत अच्छी बनती है। ये हो गया, अब जब प्याज ब्राउन होंगे तो फिर हम ये टमाटर डालेंगे, बाकी हम डालेंगे इसमें पेस्ट, ठीक हो गया। चिकन भी हमारा रेडी है, 1.5 किलो चिकन है, मैंने 2 के साफ करके रेडी करके रखा हुआ, 1.5 किलो है ये चिकन, नहीं तो कभी बनाऊंगे। ठीक है, जब तक ये प्याज होते हैं फिर हम वापस आते हैं दोबारा। सो यहाँ पे ये प्याज ब्राउन हो गए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना जल जाएंगे, क्योंकि रेड रेड प्याज है ना, तो जब बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं तो जल जाते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ये टमाटर वगैरह का जो मैंने सारा पेस्ट बनाया था, बल्कि पहले मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ में डालूंगी इसके चिकन, ठीक है। अब डालूंगी मैं इसमें ये चिकन, ताकि ये अदरक लहसुन में, क्योंकि मैं अपने स्टाइल से बनाती थी, लेकिन अब सब ने मुझे इतना बोला है, तो मेरी कज़न भी बोल रही थी और सिस्टर भी बोल रही थी कि आप पहले से उसको ना ट्राई किया करो, शुरू कर दी, तो मैं बना रही हूँ उनके स्टाइल से, ठीक है। से मिक्स कर देती हूँ, ये देखिए ये डाला मैंने इसमें चिकन। अब ये जब अच्छे से हो जाएगा ब्राउन, फिर उसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन ब्राउन हो गया है। हाय माय बेबी, मेरा शहजादा,
बस अब बहुत टाइम हो गया है, माशाल्लाह 3 बज गए हैं, ओनली 2 आवर्स मोर, या 3 आवर्स, अराउंड 3 आवर्स, यू कांट इवन सी इट विल बी गो वेरी फास्ट। तो ये अब इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर, ऐसे डालेंगे इसी मेहनत करके। चम्मच इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनेगी, मैं बनाती हूँ आज इसकी चटनी, इसी में बनाती हूँ मोटी मोटी सी, ऐसे थोड़ा हैंड से बनाएंगे। देखिए ये हो गया, अब इसमें ये साबत वाली हरी मिर्च भी डाल देती हूँ ऐसे, और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें ये टमाटर डाइस वाले, ताकि कलर अच्छा आए खाने का। वैसे भी मैं टमाटर खाने में बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, बाकी सारी चीज़ें रख लेती हूँ, और फिर मैं अब डालूँगी इसमें मसाले। अब डालूँगी सारे मसाले इसमें। ठीक है, पहले हल्दी आ गई तो हल्दी डाल देते हैं। हल्दी के बाद डालेंगे धनिया पाउडर, एंड देन करी मसाला है ये, डालेंगे 2 चम्मच, डालेंगे नमक, और ये डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, सब मैंने 1-1 टीस्पून डाला है। अब इसमें डालेंगे हम कढ़ाई मसाला, जो कि मेरा फेवरेट है, तो वो मैं ज़रूर डालती हूँ अच्छे से। बहुत ही जबरदस्त कलर आया, हो गया मिक्स ये खा अच्छे से सब चिकन। ये देखें इस तरह से हो गया चिकन, अब इसको मैं रखूँगी ढक के, और फिर इसका दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक जब ये बन जाएगी। सो ये देखें ऑलमोस्ट हमारी हंडिया कंप्लीट है, बस थोड़ा सा पानी रह गया, जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का सैंडविच के लिए मसाला। सो इसमें मैंने डाला है चिकन, नमक, काली मिर्च, हल्दी, चिकन टिक्का मसाला, चरगा मसाला, बस और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, और थोड़ा सा धनिया, और उसको मैंने मेरीनेट करके रखा था 1/2 आवर के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उसके बाद मैंने हल्का सा ऑयल डाला इसमें, और इसको मैंने मेरीनेट कर दिया, और अब मेरीनेशन को बग़ैर किसी ऑयल कुछ भी डाले बग़ैर मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया, तो इसने अपना पानी छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रख रही हूँ कि ये पक जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको क्या करना है। पहले इसको बनने देते, अच्छा सा चिकन पक जाए, फिर हम मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। दिशान, हाउ यू फीलिंग फॉर टुडे रोज़ा? I feel tired. Very hungry. Seriously? पर मजा तो आ रहा है ना रोजा रखने में? You will do it again tomorrow? No. When you are going to do it? Too hard for me. Why? My small belly. You are small belly? I only ate 1 paratha. Then why you don't you eat 2? I ask you to eat 2. कैसा फील कर रहे हो बताओ? मजा आया? चलो अब हम अफ्तारी के टाइम पे मिलते। किरण, तुम्हारा रोजा ठीक है? तो ये अब मैं बनाने जा रही हूँ सारा खाना पीना,
बस फाइनली जो है ना 15-20 मिनट ही रह गए हैं अजान के टाइम में, तो मैं कर रही हूँ रोटी बना रही हूँ मैं। दिशान को खाने अंडा पराठा, तो वो कह रहा है कि मामा मेरे लिए पहले से ही अंडा पराठा बना के रख लो, तो मैं बना रही हूँ दिशान के लिए अंडा पराठा, क्योंकि तो उसको यही पसंद है, तो मैंने सोचा कि वो एटलीस्ट खा तो देगा। और मैंने अभी सैंडविच बनाने हैं, चिकन बाकी सब कुछ रेडी है बट सैंडविच अभी रेडी नहीं हुआ, तो मैं जा रही हूँ अब वो आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने सैंडविच कैसे बनाने। और यहाँ पे मैंने आधी तैयारी करके रखी है जो जो बना हुआ है, और बाकी यहाँ बन रहा है तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैं सैंडविच बनाऊंगी, आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं सैंडविच कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे सैंडविच, बस ये दिशान का खाना हटा दूँ मैं उसके बाद। इसके लिए मैंने लिए ब्रेड। ठीक है, मेन आज का है सैंडविच का ही बस, तो मुझे आज खा के मैं सैंडविच ही बनाऊंगी, और बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि पता नहीं कोई खाएगा या नहीं, मैं बना लेती हूँ। ये मैंने लिए 3 ब्रेड, इसके ऊपर मैं डालूंगी मायो, ये मेरे पास स्पाइसी वाला मायो है तो मैं वो डालूंगी। ठीक है, ठीक है, ये डल गया मायो, और मैंने प्लेन वाला मायो नहीं डाला, ये स्पाइसी वाला ही डाला है। मैं इसके ऊपर डालूंगी चिकन अपना जो हमने बनाया हुआ था। ठीक है, ये चिकन का हमारा सारा कुछ था, इसको हम थोड़ा सा ऐसे, या तो आप काट सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। टिक्का वाली रेसिपी है तो ये थोड़ी सी है डिफरेंट। अगर किसी को सब्जी खानी है तो वो डाल सकते हैं, किसी को नहीं डालनी सो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप उसको कैसे खाना चाहते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक टमाटर का पीस डाल देती हूँ। ठीक है, सो ये इस तरह से हो गया है, अब मैं इसके काटूंगी साइड। पता नहीं आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं, इतना मैंने रोला पाया हुआ है सारी चीज़ों का। ऑलमोस्ट अभी नहीं है, बस ऑलमोस्ट अभी अजान होगी। ठीक है, ये हम ठीक है, इसको हमने ऐसे काट दिया। ठीक है, तो ये देखें ये बन गए हमारे सैंडविच, बहुत मज़े के। अभी मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो क्या हो गए रेडी निशान, यू वांट सैंडविच? सुबह अफ्तारी का टाइम हुआ जाता है, ये हमारी आज की अफ्तारी, सैंडविच है, सालन है, खजूर है और शरबत है, और ज़्यादा हमने कुछ नहीं बनाया। दिशान अंडा पराठा खा रहा है। ठीक है, चले फिर मिलते हैं हम बाद में। सो फाइनली अफ्तारी हो गई, सारा कुछ हो गया। ये देखे ज़रा किचन का हाल, सारा फैला पड़ा है और बच्चे भी शरारते करने में लगे हुए हैं, तो बस काम है आजकल के ख़त्म होने में नहीं आ रहे। तो ये बच्चे हैं, ये दिशान ने माशाल्लाह से आज रोज़ा रखा था, ही सच अ गुड बॉय। बताओ कल फिर रोज़ा रखेगा? No, क्यों? That was so painful. बहुत मुश्किल था। हाँ, किरण ने बहुत सबर के साथ रोज़ा रखा था, और ये दोनों एक दूसरे को बस यही सारा दिन बोलते रहते हैं। इस अल्फ्रेडो से मैं बहुत परेशान हूँ, हम कहीं कुछ भी बोल रहे होते तो ये बीच में आ जाता है।
मोजेस एंड थैंक यू सो मच वन थाउजेंड कितने सब्सक्राइबर पे ये अल्फ्रेडो मिलेगा गिफ्ट में नो क्यों ब्लैक मार्केट वर्जन ये देखो yes, ये कौन है चलिए जी सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आजकल व्लॉग पसंद करने का आप लोग पसंद कर रहे हो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो अभी बस मुझे थोड़ा सा काम है अब जो पैकअप है किचन का वो करूंगी उसके बाद मैं सोने जाऊंगी क्योंकि सारा दिन ऋषान ने बहुत ज्यादा रोना डाला हुआ था रोजे रखने की वजह से तो चलिए जी फिर मिलते हैं हम कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लाइकिंग अवर व्लॉग और हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए दुआओं में जरूर याद रखिएगा हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह कल मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ गुड नाइट Thank you.